सीएम भजनलाल शर्मा आज दिन भर लोगों के बीच रहेंगे। इसकी शुरुआत शुक्रवार सुबह सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक करके की। उन्होंने लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की। दरअसल सुबह सीएम भजनलाल शर्मा जवाहर सर्किल स्थित पार्क में पहुंचे, यहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक की, साथ ही लोगों से बातचीत भी की, साथ में चाय भी पी। इससे पहले भी 2 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा मानसरोवर के सिटी पार्क पहुंचे, यहां भी उन्होंने लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक की। सीएम ने आज मॉर्निंग वॉक का वीडियो एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, आज जवाहर सर्किल पार्क में प्रातः भ्रमण के साथ दिवस की शुरुआत तथा देवतुल्य जनता व राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत 9 फरवरी से 11 फरवरी तक बीजेपी पदाधिकारी विभिन्न जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। इसमें आज रात सीएम भजनलाल नागौर के गोगेलाव गांव में रुकेंगे। इससे पहले वो गांव में केंद्र सरकार की 19 योजनाओं को लेकर आयोजित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा अगले 2 दिन नागौर व आबूरोड के दौरे पर हैं। इसकी शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन के साथ कर दी है। इसके बाद वो मारवाड़ मुंडवा में वीर तेजाजी महिला शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव एवं गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास कार्यक्रम में है। शाम को नागौर संत लक्ष्मीदास धाम में दर्शन करेंगे। इसके बाद बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत गोगेलाव गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार को सीएम भजनलाल जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वो गोगेलाव गांव से सीधे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहां से मानपुर हवाई पट्टी आबू रोड पहुंचेंगे। आबू रोड में राजश्री ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर भारतीय मजदूर संघ के 25वें अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे।